जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसर के अंदर कोर क्या होते हैं और क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर कैसे काम करते हैं, थ्रेडिंग करने से कोई भी चीज़ आगे क्यों बढ़ जाती है और अभी जो प्रोसेसर में 7nm की टेक्नोलॉजी है ये क्या है और मदरबोर्ड से कैसे इंटरफेस किया जाता है इनपुट और आउटपुट को और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन कैसे एक मदरबोर्ड बना देता है। देखिए, जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्क के ऊपर रखा जाता है इसलिए उसे डेस्कटॉप कहते हैं और एक गोद में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैपटॉप। जैसे ये जो है ना, ये एक लैपटॉप है तो इसमें सबसे मेन जो डिवाइस होता है ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये तो इसका मॉनिटर यानी स्क्रीन है। तो लैपटॉप में तो एक ही जगह होता है, डेस्कटॉप में ये अलग से होता है। इसे हम लोग कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। आप प्रोसेस का मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्या चीज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करके उसका आंसर देना, आपको आंसर देने की क्रिया को प्रोसेस करते हैं। नहीं समझे, जैसे हम आपसे अभी प्रोसेसिंग कराते हैं, बताइए तुम 3+5 करेंगे तो क्या होगा, आप झटाक से आंसर दीजिएगा 8। ये 8 कहाँ से आया, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा प्रोसेसिंग क्या होता है। आप ये बताइए तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो तुरंत आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी 16। अभी आपको प्रोसेसिंग समझ में आ गया क्या होता है। इसको बताइए तो क्या होता है, अब लो थोड़ी सी प्रोसेसिंग में टाइम लगी, प्रोसेसिंग में टाइम लगी, अभी भी नहीं लगा। चलिए देखिए, इसको करिए तो अब समझ में आ रहा है आपको प्रोसेसर कहाँ गया। अब इसी में और खतरनाक दे देंगे तभी तो प्रोसेसिंग होते रहेगा। तो जो हो चुका प्रोसेसिंग आपका, अब तो प्रोसेसिंग है नहीं होगा आपसे, फिर कॉपी कलम लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पावर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होता है। लोग कहते हैं ना लड़कियों को दिमाग नहीं होता है, भाई ऐसा बात नहीं है, उनको भी दिमाग होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ऊपर नीचे। इसके अलावे भी कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। ये तो जो थी ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वाला काम था, यानी ये मैथ से रिलेटेड काम था, गुणा भाग परसेंटेज निकालना, कैलकुलेटर याद रखना, कैलेंडर याद रखना, मैथ से रिलेटेड था, कुछ मेमोरी से भी याद रहता है। जैसे हम अभी से पूछेंगे, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे मनमोहन सिंह, उससे पहले बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले थोड़ा सा अटकने लगेंगे, जो यंग एज वाले हैं वो अटकने लगेंगे, उससे पहले अटक नरसिंह राव के पीछे वाला तो फिर तो दिमागे से उतर जाएगा आप लोग। तो ये क्या है, मेमोरी में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर एक मेमोरी यूनिट भी होता है जो पिछले चीज़ों को क्या किए रहता है, याद किए रहता है। इसके अलावे इस सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट CU भी होता है। कंट्रोल, जैसे मान के चलिए हम आपको दो फोटो दिखा देंगे, एक यहाँ मोदी जी का रख देंगे, एक मनमोहन सिंह का रख देंगे, हम कहेंगे इसमें से उस फोटो पे हाथ रखिए जो जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, तो आप मोदी जी पे रखिएगा, भूतपूर्व का बोलेंगे तो मनमोहन सिंह पे रखिएगा। तो ये आपके हाथों को भी कंट्रोल करता है। इधर जैसे हम कहते हैं कि दाहिना कान पकड़ो तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, बायां ऐसे पकड़ लेंगे, तो भाई साहब ये कंट्रोल भी तो कर रहा है। आप कहेंगे बायां पकड़ो तो पैर उठा के हम पकड़ेंगे, तो भाई ये को कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना कि कब कौन काम करेगा। आप गाना बजाने को कहिएगा तो प्रिंटर से छाप के निकाल देगा, भाई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना कि गाना बजाने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। तो इसके अंदर तीन मेन काम होते हैं सर, कौन सा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी को इस भागदौड़ की दुनिया में इतना फुर्सत नहीं है कि जो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेगा, उस चुपचाप से इसको प्रोसेसर कहता है। क्या कहता है, चुपचाप से इसे क्या कहेगा, प्रोसेसर कहेगा। पहले प्रोसेसर बहुत बड़े साइज के आते थे लेकिन अब प्रोसेसर एकदम छोटे हो गए, बिस्किट का आधा, आधा जो बिस्किट होता है ना उतना छोटा प्रोसेसर हो, मतलब बिस्किट बराबर प्रोसेसर हो गया सर। आप एक टाइगर बिस्किट ले लीजिए वहाँ पर, इतना छोटे प्रोसेसर हो गया और यही अकेले सारा काम कर देते हैं सर। तो ये जो बड़ा डेस्कटॉप देख रहे हैं लोग ना, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है एकदम छोटा सा जो सारे काम को कर रहा होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जा रही है ना हर चीज़ छोटा होते जा रहा है साइज में। तो ये जो प्रोसेसर था इतना बड़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसर, इसको क्या किया गया, इसको भी इतना ही बड़ा साइज में रखा गया लेकिन अंदर में दो पार्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दो पार्ट कर दिया गया। तो ये देखिए, ये तो है प्रोसेसर, ये बड़ा सा है प्रोसेसर, पहले एक ही रहता था, अब उसमें दो पार्ट कर दिया गया। तो जब प्रोसेसर को आप सेम साइज रहते हुए अंदर से दो पार्ट कर देते हैं ना, तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग कहते हैं कोर। प्रोसेसर के अंदर के टुकड़ों को क्या कहते हैं, कोर कहेंगे। और अगर दो टुकड़ा है तो कहेंगे डुअल कोर है।
और अगर चार टुकड़ा है, मान के चलिए चार टुकड़ा हो गया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड कोर। आठ टुकड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टा कोर। जैसे ये क्वाड कोर है, अंदर है ऑक्टा कोर, बाहर से सब सेम दिखेगा। अगर हम आपको कोई प्रोसेसर दे दे जिसमें दो टुकड़े हैं यानी डुअल कोर है, जिसमें चार टुकड़े हैं क्वाड कोर है, जिसमें आठ टुकड़े हैं यानी ऑक्टा कोर है, बाहर से दे देंगे, अगर उस पर नहीं लिखा रहेगा ना तो आप बाहर से नहीं पता कर पाएंगे, वही होता है। तो फिर आप कहेंगे कि सर सेम साइज में आठ कोर घुसा दिया, किसी में चार किसी में दो, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए पहले दो ही कोर अटते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गई ना, मशीनों को छोटा कर करके उतने ही एरिया में चार को हटा दिया गया, फिर उतने ही एरिया में आठ को हटा दिया गया। ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे ये इतना बड़ा प्रोसेसर है, ठीक है, जब इसमें डुअल कोर यूज होता था, एक ये कोर एक यू कोर, तो इसके जो इसके अंदर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो उन ट्रांजिस्टरों के बीच की दूरी ज़्यादा रहती थी, लगभग 100, पहले बहुत सारे होते थे सब, हजार एनएम की दूरी रहती थी, नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर, तो दूरी रहती थी। बाद में क्या किया गया, इन दूरियों को कम किया गया, तो जो इतना ज़्यादा जगह लेके कर रहे थे ना, इसको इतने छोटे में हटा दिया गया। तो जब इतने छोटे में हटा दिया गया तो इतने में चार ठोंट जाएगा, तो उसी चीज़ को कहते हैं नैनोमीटर। पहले बहुत बड़े होते थे, जैसे देखिए 843 नैनोमीटर है, धीरे धीरे घट के आ गए। अभी जो लेटेस्ट हम लोग के यहाँ घूम रहा है वो 7 नैनोमीटर का है, 7 nm का घूम रहा है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। जैसे हमारा जो स्वेटर है, इसमें एक धागा से दूसरे धागे के बीच की दूरी ज़्यादा है, आप इसे कह सकते हैं लगभग 20 नैनोमीटर यानी लगभग 20 nm का है। लेकिन अगर हम इसके अंदर शॉर्ट जो पहने हैं, शॉर्ट, उसकी धागों के बीच की दूरी बहुत कम है, हम उसे कह सकते हैं नहीं ये 5 nm की दूरी है। तो हम अगर केवल स्वेटर पहन लेंगे ना तो हमारा बदन झलकने लगेगा, तो लोग देख के पहचान जाते हैं स्वेटर खाली स्वेटर पहना है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा दूरी है, ये लगभग 20 nm का है और हमारा शॉर्ट लगभग 5 nm का, एकदम करीब करीब सटे होने से। तो जब कभी भी ट्रांजिस्टरों को करीब करीब सटा देते हैं तो उतनी ही दूरी में ज़्यादा कोर यानी ज़्यादा टुकड़े अट सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वर्तमान समय में वो 7 nm की है, आगे और होते जाएगा 5 nm होगा, धीरे धीरे हर चीज़ तो बढ़ती जाती है। देखिए जितने ज़्यादा होगा, जितनी छोटा करिएगा उतना फास्ट वर्क करता है, उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो ये दिखने में लगता है इतना है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये ओरिजिनली एक है प्रोसेसर, आपको लग रहा होगा इतना छोटा है, लेकिन अगर आप इसमें वर्क देखिएगा, इसके अंदर इंजीनियरिंग कितनी नैनो टेक्नोलॉजी है, तो आप देख के दंग रह जाएंगे, भाई साहब कितना बड़ा है, कितने बड़े सर्किट को ये संभाल के रखा था। इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से करके देखा जाता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नैनोमीटर nm टेक्नोलॉजी। तो अब आप मोबाइल या खरीदिएगा तो कोशिश कीजिएगा 7 nm का खरीदे प्रोसेसर, वो और फास्ट करेगा, क्योंकि साइज इतना ही और उसमें कई सारे कोर क्या हो जाएंगे, अट जाएंगे सर। तो अभी ऑक्टा कोर बहुत आगे चल रहा है, अगर ऑक्टा से भी ज़्यादा आ गया तो उसे मल्टी कोर कहते हैं। अब बार बार कितना का नाम रखिएगा, मल्टी कोर के नाम से जानते हैं। ऑक्टा कोर के बाद अगर 12 कोर आया, 16 कोर आया, 20 कोर आया, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी कोर के नाम से जानते हैं। अब इन कोर का फायदा क्या होता है, आप कहते हैं कि सर ये क्या जरूरत है, दू दू को कोर कई लगी ना, डुअल कोर सटा के रख दीजिए, एक को रहेगा आखिर, कमवा तो वही है। लेकिन देखिए है क्या कि कोर के बांटने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक ही मोबाइल या एक ही कंप्यूटर में कई सारा काम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब खोले हैं, मान के चलिए उसको बीच वाला बटन से उसको मिनिमाइज कर चुके हैं यूट्यूब को, आप क्या कर रहे हैं, एयरफोन लगा के गाना भी सुन रहे हैं यानी आपका म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, किसी से चैटिंग भी कर रहे हैं, तो व्हाट्सअप भी चल रहा है, तब तक उधर यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोडिंग में लगा है, मतलब एगो डाउनलोडिंग कर रहा है, एगो चैटिंग कर रहा है, एगो गाना सुना रहा है, एगो नेट संभाल रहा है। मतलब अगर इसको आप एक ही में कर दीजिएगा तो भाई साहब ये एक ही काम कर पाएगा, लेकिन जब आप इसे कोर में बांट देते हैं, कई कोर में बांट देते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ काम ये संभाल लेता है, कुछ काम ये संभाल लेता है, तो अच्छा से हो जाता है। इसलिए जिसके मोबाइल या कंप्यूटर में कोर की संख्या ज़्यादा होती है ना, वो कई काम को एक साथ आराम से कर लेते हैं, नहीं तो ससुरा डाउनलोडिंग होगा तो ससुरा रुक जाएगा, लगेगा गोल 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 घूमने, उसका प्रोसेसिंग लेट हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है कोर का, जितना ज़्यादा कोर होगा उतने ज़्यादा वो मल्टीपल फंक्शंस को कर सकते हैं सब। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क कंज्यूम करती हैं, जैसे रेंडरिंग करना। रेंडरिंग मतलब जब आप वीडियो को एडिट कर देते हैं, कई टुकड़ों को जोड़ देते हैं, तो उसे एक लाइन में बना कर निकालने को कहते हैं रेंडरिंग। तो जब रेंडर निकलता है किसी वीडियो का या ऑडियो का, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो उस समय ये आपका 75 को कोर रह ले भी कोई खास फायदा नहीं होता है, थोड़ी बहुत हिस्सा ही इसकी खाली रह पाती है। लेकिन आदमी की भूख कहाँ मिटने वाली, इसने दो डुअल कोर बनाया,
क्या किया, डुअल कोर बनाया। लेकिन एक बात बताइए, मान के चलिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं तो ये सॉन्ग को संभाल लिया, इधर से हम लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं और क्या चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, FB चला रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इंजीनियरों ने, कि भाई साहब इतना बड़ा कोर है, ये केवल व्हाट्सअप फेसबुक के लिए थोड़ी है। तो उन्होंने इसके लिए थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी लाया। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि इसको बिना बांटे इसमें हल्का डॉटेड बना दिया जाता है कि जब इन पर लोड कम पड़े तो ये ऑटोमेटिकली दो पार्ट की तरह बिहेव करे। ये दो पार्ट में रहती नहीं है, केवल बिहेव करने लगती हैं दो पार्ट की तरह। तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताइए, ये जो कंप्यूटर है, ये प्रोसेसर है, ये तो पूरा का पूरा जो चौकोर बॉक्स दिख रहा है ये है प्रोसेसर, इसके अंदर दो हिस्सा है तो ये डुअल कोर है। लेकिन अगर हम इसमें थ्रेडिंग कर देंगे तो थ्रेडिंग एक प्रोग्राम होता है जो इसमें सेट कर देंगे, तो ये अगर लोड कम पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक दो भाग में बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी हम किसी डुअल कोर प्रोसेसर को थ्रेडिंग कर देते हैं तो वो डबल हो जाता है। वो किस तरह बिहेव करने लगता है, चार यानी क्वाड कोर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप प्रोसेसर रखेंगे तगड़ा, उसके अंदर कोर भी होना चाहिए और कोर को थ्रेड भी होना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए बिना थ्रेड वाला क्वाड कोर प्रोसेसर लेते हैं और कोई जो है वो डुअल कोर लेता है लेकिन इसमें थ्रेड है, तो भैया ये थ्रेड होने की वजह से लगभग इसकी तरह काम करने लगेगा और प्राइस में बहुत सस्ता रहेगा। अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं सर, तब तो हम खरीदेंगे कौन सा, क्वाड कोर, इसमें थ्रेड कर देंगे तो ये ऑक्टा कोर की तरह काम करने लगेगा। तो उससे अच्छा ससुर ऑक्टा कोर खरीदिए ना, उसमें थ्रेड लगा दीजिएगा, मल्टीपल कोर की तरह काम करने लगेगा। ऑक्टा कोर खरीदिए एक के बारे में। कोर जो होता है वो बेसिकली किसी भी जो थ्रेड होता है वो किसी कोर को फिजिकली बांटता नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक कोर है, दो तीन चार, चार कोर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये फिजिकली बांटे गए हैं। लेकिन थ्रेड जो होता है बांटता नहीं है, वो क्या करता है अपने में एक डिसीजन कर लेता है कि भैया देखो छोटा काम रहेगा उधर वाला देख लेना, बड़ा काम और इधर वाला रहेगा तो इसको तुम देख लेना, लेकिन अगर बड़ा काम आ गया तो हम सब मिल के आपस में एक बार में देख लेंगे। तो थ्रेडिंग फिजिकली अलग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो वर्किंग के हिसाब से वो उसको अलग कर देते हैं। अब दुनिया की हर चीज़ में भैया सुधार होता है, आप किसी चीज़ को देख लीजिए सुधार। हम लोग का जब पहला वीडियो था, दूसरा, मतलब शुरुआत के दो तीन महीने जो वीडियो थे सब लॉकडाउन के टाइम पे, वो वाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाते थे। फिर हमने इसमें क्या किया, जनरेशन सुधार करके डिजिटलाइजेशन सबको कर दिया। वैसे ही कोई भी कंपनी अपने चीज़ों में सुधार करती है, वैसे ही जब कभी ये इंटेल कंपनी जो है ये प्रोसेसर बनाती है और AMD कंपनी भी प्रोसेसर बनाती है, इंटेल का ज़्यादा अच्छा होता है, AMD का थोड़ा सा लो माना जाता है। समझना क्या, वर्किंग में ये ज़्यादा नहीं है वो ज़्यादा है। तो इसके को प्रोसेसर अच्छे होते हैं सब, इसमें कोर i3 होता है, कोर i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है, ये हमेशा ऑड नंबर में होता है इनका कोड। समझ में आ गया। तो आपको कोई पूछेगा कौन अच्छा होता है, भैया पागल भी बता देगा कोर i9 ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे ही हम बोल दें कोर i5 है ये और कोर i7 है, कौन अच्छा होगा, भाई 7 है, कुछ खास साइंटिफिक डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा इससे ये स्मूथ होता है, वर्किंग पावर में ज़्यादा होता है। अब जनविन इसे समझिए ना, कोई आप मोटरसाइकिल खरीदिए 2018 मॉडल, सेम मोटरसाइकिल खरीदिए जो 2020 या 21 में, जो कमियां वहाँ थी उसको सुधार दिया होगा, बस यही होता है यहाँ पर। अब आप बाहर से देख कर थोड़ी बता सकते हैं कि भैया ये कितने कोर का होगा, हो सकता है कि ये डुअल कोर हो, या ऐसा हो सकता है ये क्वाड कोर हो, ऐसा हो सकता है कि ऑक्टा कोर हो, कैसा ऑक्टा कोर हो, ऐसा भी हो सकता है ये i5 है और ये i7 होने के बावजूद ये क्वाड कोर हो, ये उससे पिछला होने के बावजूद ये ऑक्टा कोर हो। ये कोर डिपेंड करता है कंपनी के बनाने पर, कितना बना रही। लेकिन समस्या क्या हो जाती है भाई, कि जब आपके सामने दो सेम कैटेगरी के हो जाते हैं, मान लीजिए एक i3 हो गया और एक i5 हो गया, सॉरी दोनों i5 हो गए सब, अभी लेटेस्ट ले लेते हैं i7, मान के चलिए दोनों आपके पास i7 है, अब इनमें कौन खरीदिएगा। तो देखिए कंपनी जो है i7 के बाद i9 जाने में या i9 के बाद i11 जाने में, ऐसा नहीं कि हर साल आ जाती है, इसको डेवलप करने में कंपनी को 5 साल 7 साल ऐसे टाइम लग जाते हैं। ये नहीं कि 2020 में i7 था, 21 में i9 हो जाएगा, 22 में i11 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। कोर ये कंपनी को डेवलप करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं i7 से i9 आने में, i9 से i11 आने में।
लेकिन कंपनी क्या करती है, छोटे मोटे सुधारों को हर साल करती रहती है, तो उसे कहते हैं जनरेशन। तो जैसे आप मान के चलिए आप जाएंगे, अभी लेटेस्ट चल रहा है Core i9, तो Core i9 में कहेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, अगले साल सेकंड जनरेशन, उसके अगले साल थर्ड जनरेशन, उसके अगले साल फोर्थ जनरेशन, ऐसे करके इसमें जनरेशन जनरेशन हर साल सुधार करेगी। जब बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा तो कहेगी नहीं भैया इसको हम करते हैं 7th जनरेशन तक रख देते हैं, अब बहुत बड़ा सुधार करना है तो Core i11 बना देते हैं। अब 11 के बाद Core i13 जो है वो तुरंत नहीं बन जाएगा, अब इसमें जनरेशन चलेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अमूमन 10 जनरेशन तक जाते हैं सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी को बहुत बड़ा सुधार करना है तो 7वें 8वें जनरेशन पर ही रोक के और बड़ा सा सुधार कर देती है। तो देखिए ये वाला चीज़ जो है बड़े सुधार को दर्शाता है, और जनरेशन जो होता है फर्स्ट हर साल के सुधार को दर्शाते रहता है। तो आप कोशिश करिएगा, जैसे मान के चलिए हमारा जो लैपटॉप है वो Core i7 है लेकिन 10th जनरेशन का है, तो Core i7 जो है उसका 10th जनरेशन लगभग Core i9 की तरह है, क्योंकि Core i9 का फर्स्ट जनरेशन और Core i7 का 10th जनरेशन लगभग बराबर है, क्योंकि जस्ट अगर देखेंगे तो भले कोर का अंतर है, ये i7 है ये i9 है, लेकिन ये नंबरिंग है, ये कोर की संख्या नहीं है, ये मॉडल नंबर बताता है। इंटेल कंपनी जो होती है अपने मॉडल नंबर को ऑड में रखती है, और AMD भी प्रोसेसर आता है, इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, नॉर्मल काम के लिए होता है, इंटेल ज़्यादा वर्कफुल होता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझिए। देखिए हार्डवेयर उसे कहते हैं जो हार्ड हो और जिसे छुआ जा सके, तो वेयर मतलब होता है सामान, हार्ड मतलब होता है कठोर, तो जिन सामानों को कंप्यूटर में आप टच करके छू सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। जैसे हमारा मन, हम इसी स्क्रीन को छू देंगे, इसको छू देंगे, कैमरा छू देंगे, UPS छू देंगे, जो भी पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है, जो जो चीज़ों को आप छू सकते हैं फिजिकली वो हार्डवेयर है। इवन ये मेरा कैमरा भी क्या है, हार्डवेयर, हम इसे छू सकते हैं। तो जिस जिस चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो सारा का सारा चीज़ क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ये माउस हो गया हार्डवेयर हो, तो हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चलते हैं, इनको चलाने के लिए सप्लाई की जरूरत होती है हार्डवेयर को। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे चीज होते हैं जो नहीं चल सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, वो उसके अंदर है। जैसे हम सोचेंगे कि आलिया भट्ट को टच कर सकते हैं, मान के चलिए ऐसे हम बाल बिगाड़ दें आलिया भट्ट का, तो बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो टच कर रहे हैं, हम स्क्रीन टच कर रहे हैं, आलिया भट्ट को कहाँ टच कर पा रहे हैं। अगर कहेंगे कि ना हम बलवा बिगड़बे करेंगे, फोड़ के घुस जाएंगे तो खराब हो जाएगा, अभी इनको दीदी जी को हम कहेंगे कैसे टच कर पाएंगे? क्या नहीं टच कर सकते हैं? रीजन क्या है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये अंदर का जो प्रोग्राम है, ये है एक सॉफ्टवेयर, न कि एक हार्डवेयर है। आप हार्डवेयर को ही टच कर सकते हैं। आप अगर ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर बाल तो टच कर ही रहे हैं आप। नहीं भैया, हम बाल ना टच कर पा रहे, हम इसका शीशा टच कर पा रहे हैं, स्क्रीन का। अब अगर और देखेंगे, हम इसको भगा देते हैं, भगो ऐसे लड़ा देते हैं, देखो मुँह फूटेगा क्या आलिया भट्ट का, लेकिन ओरिजिनल में लड़ा देंगे ऐसे ऐसे, हाँ तो क्या हो जाएगा, मुँह फूट जाएगा। तो हम आलिया भट्ट को नहीं लड़ा रहे यार, स्क्रीन की एक ऐसी दुग हो गई का है, यहाँ पे स्क्रीन की ऐसी खासियत है, इसके अंदर का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको क्या कर सकता है, घुमा फिरा सकता है, इसे हम कभी भी टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। जैसे आप YouTube देखिए, हम अभी हार्डवेयर, हम अपने हाथ को टच कर सकते हैं, इसको हाथ टच कर सकते हैं, यहाँ अगर कोई मेरे कमरे में है तो वो हमें टच कर सकता है, उसके लिए हम हार्डवेयर है। लेकिन YouTube पर आप हमको देख रहे हैं, आपके लिए YouTube एक सॉफ्टवेयर, आप हमको टच करके देखिए ना, मोबाइलवा में टच करिए, मोबाइलवा का टेम्पर ग्लास टच करिए, और वो खखड़िएगा तो स्क्रीन तक पहुँच जाइएगा, और वो खखड़ोगे ना आज खान साहब से भेंट होगे करेगा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, भेंट कर यहाँ पे तो फोर के घुस जाइए, बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते। पबजी जो गेम है ये भी नहीं टच कर सकते, इसमें किसी को खेल सकते हैं नहीं। फ्री फायर ये भी नहीं कर सकते, इसमें ऐसे भले गोली मार सकते हैं, हम भी कभी कभी मूड में आते हैं तो खेल देते हैं, उसमें हम भी बहुत तगड़ा मार देते हैं, टाइम मिलता है, कभी फ्रस्ट्रेट होता है आदमी तो कहता है चलो आज खेल देते हैं, यहाँ पर तगड़ा हम भी खेलते हैं, डिस्क्रिप्शन में देंगे आप देख लीजिएगा, हम बहुत खतरनाक खेलते हैं। खैर कभी कभी वो सब चीज़ें होता है, टाइम पास के लिए कभी मूड खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं सब भाई साहब, ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे के सारे चीज़ सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोग्राम हो रहा है। किसी का फोटो एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का फोटो एडिट कर रहे हैं, वो सब चीज़ हो गए, या गाना एडिट कर रहे हैं, या फिर अंदर कुछ गेम खेल रहे हैं, कैलकुलेटर से चला रहे हैं, कुछ भी कीजिए, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक, ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर होती हैं। और जो बाहर जिन्हें टच कर सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, हार्डवेयर हो सकती हैं। देखिए हम इंडिया वाले हार्डवेयर नहीं बना पाते हैं, हम इंडिया वाले सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं। हमारी विप्रो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, हमारे
TCS टाटा कंसल्टेंसी रेलवे का एग्जाम ले रही है, तो ये सब मतलब वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं। लेकिन हार्डवेयर में ससुरा चाइना, जापान, ताइवान, वियतनाम, ये बड़ी आगे निकल गए। आप माउस खरीदिए ससुरा चाइना का, मेमोरी कार्ड खरीदिए चाइना का, मतलब चाइना का आप वही चीज़ें खरीद सकते हैं जो मतलब टच किए हैं, मतलब हार्डवेयर को। कुछ कुछ एंट्री मारा था सॉफ्टवेयर में, सरकार ने मारा, रद्द कर दिया, ऐप वप सब बंद कर दिया। टिकटॉक दुनिया भर का था। अरे भाई साहब, टिकटॉक बंद हुआ बहुत अच्छा हुआ, सोचो ना, भैंसा आदमी सुपर स्टार हो गया था वहाँ पर, टिकटॉक बना दिया था, तो हमारा वीडियो काट काट के टिकटॉक में लगाने लगा था सब, तब तक बहुत जल्दी ये बंद हो गया, टिकटॉक गया वहाँ पर। तो चाइना सॉफ्टवेयर में भी एंट्री मार रहा था, हार्डवेयर में तो उसको कोई अभी पीछे करने वाला बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि उस ससुरा का सामान बहुत सस्ता आता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो बाहर की जानकारी कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, खट 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 खट, हम अपना नाम लिख देते हैं वहाँ पर कहीं पर भी, एम खान, तो हम अपना नाम लिख दिया, खट 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 अंदर चला गया, तो क्या हो गया, बाहर की चीज़ अंदर लेके चला गया कीबोर्ड। हम बाहर से अंदर खटखटाना चाहेंगे तो माउस से क्या कर सकते हैं, माउस जो है यहाँ खटखटा सकते हैं। रिमोट क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ पे कहीं लिखना चाहते हैं, मतलब स्कैनर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हो गया, माइक हो गया। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस। देखिए माइक लगा हुआ है, हमारी बात को खटाक से लेके चला गया कंप्यूटर के अंदर। तो जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस। हम बाहर हैं, हमको लेके चला गया अंदर, माइक इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आप अपना फोटो स्कैन कराते हैं, आधार कार्ड स्कैन कराते हैं, स्कैनर इनपुट डिवाइस। समझ आ गया कि नहीं। जॉयस्टिक जो था ना, पहले गेम वेम खेलने के काम में आता था, घुमाने वुमाने के काम में आता था जॉयस्टिक। आज भी अल्ट्रासाउंड में ना अराउंड जॉयस्टिक का यूज होता है, वो लोग करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। आप अक्सर इनपुट डिवाइस देखते होंगे, जैसे आप देखिए, आप ये मशीन स्वाइप करते होंगे तो आपके ATM की जितनी जानकारी है ये अंदर लेके चला गया। तो ये जो स्वाइप मशीन है, ये पॉइंट टू सेल इसे कहा जाता है, तो ये जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। आप क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे QR कोड कहते हैं, ये बड़ा सिंपल होता है, इसे जनरेट करना भी बड़ा आसान होता है। तो इसे छिड़क दीजिए, ऐसे छिड़क देंगे तो क्या होगा, जनरेट हो जाए, इतना रहो ऐसे छिड़क देंगे कंप्यूटर, अच्छे फुचुर छिड़क देता है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड बन जाता है जिसे QR कोड कहते हैं। तो QR कोड रीडर, ये जो मशीन है, ये इनपुट डिवाइस है, इसको कहाँ ले जा रही है, अंदर। चाहे वो बार कोड रीडर हो, देखिए ये बार कोड को लेकर चला जा रहा है। आपका फिंगरप्रिंट का जो मशीन होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका फिंगर बाहर है, आपके फिंगरप्रिंट को लेके अंदर चली गई, तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आधार कार्ड में देखते हैं अखिया स्कैन कर लिया जाता है, तो स्कैन करके अंदर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो जो जो बाहर की जानकारी अंदर ले गया उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस सबसे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर की अंदर की चीज़ों को बाहर दिखा सकता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे स्क्रीन, मॉनिटर, अंदर की चीज़ को बाहर दिखा सकता है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, अभी हम आपको चाहें तो आलिया भट्ट को दिखा सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन ही तो आपको दिखाया है, ये कौन हीरोइन, कंगना रनौत, बाहर दिख गया। ट्विटर बाहर दिख गया। तो जो डिस्प्ले होता है जिसे आप मॉनिटर या स्क्रीन कहते हैं, ये अंदर की चीज़ों को क्या कर सकता है, बाहर दिखा सकता है। अगर आप एयरफोन को देखिएगा या लाउड स्पीकर को देखिएगा, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। गाना आपके कंप्यूटर के मेमोरी में है, वो उसको एयरफोन के थ्रू या लाउड स्पीकर के थ्रू क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो बाहर कर रहा है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंट कर करके फेंक रहा है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट करके क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। प्लॉटर वो भी बाहर करता है। प्लॉटर का यूज एक्चुअली ना जो होता है, ये भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है प्लॉटर, बट इसका यूज हम लोग ग्राफिक्स के लिए करते हैं। कुछ सीनरी वगैरह छापना है, रंगीन उंगीन चीज़ को आप बड़े साइज में छापने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। एक ही चीज़ है, सोच रहा प्लॉटर कहिए या फिर आप उसे क्या कहिए, प्रिंटर कहिए, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। वो रंगीन चीज़ के लिए प्लॉटर का यूज होता है। कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये इनपुट का भी काम करेगा, आउटपुट का भी काम करेगा। देखिए ये इनपुट का भी कर रहा है, यहाँ से मेरे इन्फॉर्मेशन को अंदर भी ले जा रहा है, इसी पे क्लिक करने से कैलकुलेटर खुल गया, इसी पे क्लिक करेंगे कैलकुलेटर से हिसाब कर रहे हैं, और यही हमको दिखा भी रहा है। देखिए यानी यही हमारा इनपुट भी ले जा रहा है और यही स्क्रीन हमारा आउटपुट भी दे जा रहा है। लेकिन जो छोटका मोबाइल हुआ था जिस पे लड़का लड़कियाँ बतियाता था रत रत भर, और बटनिया वाला 6-6 घंटा उसे जोड़ा चल जाता है, तो गर्मा के भड़क जाए बतियाएंगे ज्यादा, तो वो क्या था, उसका जो बटन था, बटन वो था इनपुट डिवाइस। खुटुर खुटुर करते रहिए, सोच रहा कब कोनो बटन या स्टार वाला खत्म हो जाता, तो को हुमच के दाबना पड़ता था। हमारा भी ये 2016 का मोबाइल है, इसका कैंसिल बटन वाला नहीं काम करता, हुमच के दाबना पड़ता है।
तो ये क्या होता था कि जो बटन होता था वो इनपुट था, जो स्क्रीन था और जो स्पीकर था वो क्या था, आउटपुट था। तो ये मोबाइल दोनों में आ जाएगा आपका। ये जो आजकल एक स्कैनर वाला आ गया है, स्कैनर वाला मतलब ऐसा प्रिंटर आ गया है जो स्कैन करता है, ऊपर से स्कैन भी कर सकता है यानी इनपुट डिवाइस है, और यहाँ से प्रिंट के भी भेज सकता है, वो कैसा हो जाता है आउटपुट डिवाइस। ये जो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, इसी पे हम लिखते हैं कोई भी चीज़ जानकारी, इसी पे क्लिक करते हैं अंदर लेके चला जाता है और अंदर की चीज़ को यही बाहर लेके चला आता है, तो इनपुट और आउटपुट। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, तो आप इसमें गौर करेंगे कि ससुरा ये माउसवा से माउसवा पकड़ के अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे कि कार का फोटो दो, तो ससुर माइकवा से क्लिक करेंगे फोटो दो, तो ई फोटोवा ई प्रिंटरवा से फेंक देगा। मतलब कहीं ना कहीं ई कंप्यूटरवा के अंदर मौसुओं वहीं जाके खोसाइल है जहाँ से ई प्रिंटरवा का तार आके खोसाइल है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा जगह है जो इन दोनों को अंदरवा कनेक्ट कर रहा है, भले ही कहीं और खोसाता है वो कहीं और खोसाता है, लेकिन कोई ना कोई है जो दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो आपस में इसी जोड़ने वाली डिवाइस को हम कहते हैं मदर बोर्ड। जिस तरह से एक परिवार को जोड़ के रखने का काम माता करती है, माँ करती है, दो भाई में झगड़ा भी हो जाएगा तो वो भी मम्मी से कहेगा, ये भी मम्मी से कहेगा, पिताजी को भी कोई दिक्कत, मतलब माँ जो होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखने का काम करता है मदर बोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस है मदर बोर्ड। इसी मदर बोर्ड में आपको ले आके अपना प्रोसेसर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? प्रोसेसर, जिसे आप कहते हैं सीपीयू। अब देखिए सीपीयू जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इतने दूर में सीपीयू आ गया, खत्म हो गया सीपीयू का काम। अब इसमें रैम लगेगा, रोम लगेगा, आप कुछ भी चीज कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड का प्लग ले जाके खोसते हैं, तो भाई साहब वो भले आप कहीं भी खोस दीजिए लेकिन उसकी वायरिंग अंदर से इसी से आके जुड़ी रहती है। आप प्रिंटर भले कंप्यूटर के पीछे खोसिए तो खोसने वाला दिया, अंदर से वायरिंग उसकी मदरबोर्ड से होती है। आप कीबोर्ड जोड़िए, माउस जोड़िए, कैमरा जोड़िए, प्रिंटर जोड़िए, मॉनिटर जोड़िए, कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ दीजिए, कंप्यूटर से किसी चीज़ को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। कुछ भी इंटरफेस कीजिएगा उसकी वायरिंग अंदर से आके मदरबोर्ड तक ही रहेगी। अगर किसी की सप्लाई मदरबोर्ड से कट गई, जैसे मान के चलिए कोई कीबोर्ड की सप्लाई आई थी इस रास्ते से मदरबोर्ड में, यहाँ से सप्लाई कट गई, तो कीबोर्ड में कोई खराबी नहीं है भैया, मदरबोर्ड तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। यानी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए उनको आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है। आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है, वो वहाँ पे। तो अगर आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, तो मदरबोर्ड को क्या कहिएगा? हमारे हिसाब से जिस तरह से देश की एक राजधानी होती है ना, उसी तरह पूरे कंप्यूटर का राजधानी है मदरबोर्ड। यहीं पर आपका हार्ड डिस्क लगता है, यहीं पर SSD लगेगी, यहीं मेमोरी कार्ड लगेगा, लेकिन ये रहता है अंदर, ये अंदर रहेगा, दिखेगा भले नहीं लेकिन ये रहता कहाँ है? अंदर रहता है। अब आप मान के चलिए आप इसके पीछे खोसते हैं ना कुछ भी, जैसे यहाँ खोस दीजिए, यहाँ खोसिए, तो यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा खोसने का जगह रहता है, या सीढ़ी चला दीजिए, तो अंदर मदरबोर्ड से ही सबकी कनेक्शन रहती है। मदरबोर्ड ही हर चीज़, हर एक पॉट, जो जितने भी पॉट्स होते हैं सबका कनेक्शन मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड खराब, कंप्यूटर ख़त्म। तो लोगों को लगता है कि भैया CPU सबसे बड़ा डिवाइस है, सच बुरा CPU सबसे बड़ा डिवाइस है। यहाँ पे देखो इससे जो CPU कितना बड़ा डिवाइस है, यही है मदरबोर्ड का हिस्सा है। इसलिए मदरबोर्ड पर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि मदरबोर्ड हीट हो जाएगा तो इसके जो प्लेट होते हैं PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, वो गल जाएंगे और एक दूसरे से सट जाएंगे, क्योंकि दोनों में दूरी बहुत कम होती है, और अगर सट गए ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे अगर दोनों में सट गए सब ये आपस में, तो बहुत तेज़ शॉर्ट सर्किट होगा। देखिए कितनी कम दूरियाँ हैं इनकी, अगर गर्मी होगा तो ये फैलेंगे और फैल के सट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो इसी गर्मी को कम करने के लिए एक फ़ैन लगा दिया जाता है इसके अंदर। आप देखिएगा पंखाओं का, उसके अंदर पंखा चलते रहता है, इसलिए कभी भी लैपटॉप को चलाते वक्त किसी तकिया या ऐसे चीज़ पर नहीं रखना चाहिए कि उसके फ़ैन से हवा बाहर ना निकल जाए, उसे सॉलिड चीज़ पर रखना चाहिए ताकि हल्का गैप बना रहे और हवा बाहर निकलते रहे। जिस तरह से इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाने के लिए फेमस है, उसी तरह से गीगाबाइट नामक कंपनी मदरबोर्ड बनाने के लिए फेमस है। अलग अलग कंपनियाँ आती हैं मदरबोर्ड के लिए भी। आप प्रोसेसर CPU कोर समझ गए, ऑक्टा कोर होगा, थ्रेडिंग क्या चीज़ होती है, जनरेशन वगैरह समझ गए, साथ इनपुट आउटपुट भी समझ गए, और
इसके साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी, मदरबोर्ड भी समझ गए। अब आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर है। अब रेलवे एग्जाम में आपको ये पूछेगा ही, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे जिसमें मेमोरी से क्वेश्चन जरूरी रहता है। एक होता है रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम कहते हैं, एक होता है रैम होता है। पहले फ्लॉपी यूज होती थी, बाद में आपका हार्ड डिस्क आ गया यहाँ पर। अब हार्ड डिस्क के बाद अब क्या गया है, SSD आ गया। सब हार्ड डिस्क थोड़ा लो काम करता है, धीमा, और फूट टूट गया तो सोचा सारा डाटा लॉस हो जाता है, जबकि उसके जगह पे SSD आते हैं। SSD ज़्यादा अच्छे रहते हैं सब। अब हम लोग भी, हम दोनों यूज करते हैं। जो फालतू चीज़ें रहती हैं जैसे स्टोरेज वाला काम हम इसमें डाल देते हैं, और जो प्रोसेसिंग का काम रहता है जैसे मान के चलिए कोई रेंडर निकालना हुआ ये सब चीज़ें, तो उसको SSD में रखते हैं। SSD फास्ट होती है, वो स्लो होती है। फिर पेन ड्राइव को किस में रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी, ये सब चीज़ें मेमोरी डिवाइस की होती हैं सब। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मेमोरी डिवाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं सब। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।